हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की शुरुआत हम इस डेफिनेशन से करते हैं। एक डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं कंटिन्यूटी की। उसमें क्या था कि जो फंक्शन था वो रियल फंक्शन था और किसी एक पॉइंट पे आपको उसकी कंटिन्यूटी जो थी वो चेक करनी थी कि फंक्शन उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं है। उस डेफिनेशन में, यानी डेफिनेशन वन में और डेफिनेशन टू में जो कि आज हम करेंगे, इसमें डिफरेंस क्या है। डेफिनेशन टू में भी आपके पास एक फंक्शन है और यहाँ आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ना चेक करके पूरे फंक्शन को ही आपको कंटिन्यूस बताना है कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं। तो उसको हम चेक करेंगे उसके डोमेन पे। एक फंक्शन, एक रियल फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं ये बताने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा उसको उसके डोमेन पे। तो अगर वो अपने डोमेन में, पूरे डोमेन में, ध्यान रखिए कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, पूरे डोमेन में अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है तो ही हम कहेंगे कि वो कंटिन्यूस फंक्शन है, नहीं तो नहीं। तो डेफिनेशन वन और टू में डिफरेंस ये है कि वहाँ सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम चेक कर रहे थे और यहाँ हम फंक्शन को कंटिन्यूस बताएंगे उसके पूरे डोमेन में चेक करके। थोड़ा सा इस डेफिनेशन को एलोबरेट करते हैं हम। कोई फंक्शन एफ है, गिवन है आपको, और उसकी कोई डोमेन गिवन है ए बी। ए बी उस फंक्शन की कोई डोमेन है। ए बी जो है वो एक क्लोज्ड इंटरवल है ए एंड बी, तो ए और बी उसमें इंक्लूडेड हैं। तो इस इंटरवल पे, यानी डोमेन में, इस डोमेन में ये फंक्शन कंटिन्यूस है। इसके लिए ज़रूरी है कि एवरी पॉइंट पे फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो, इंक्लूडिंग दीज एंड पॉइंट्स ए एंड बी। अब ए पे कैसे चेक करेंगे? तो ए पे लिमिट चेक करें, अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट चेक करते हैं तो क्या चेक करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और अगर दोनों बराबर हैं तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। बट ए से लेफ्ट हम नहीं जा सकते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अपनी इंटरवल ही शुरू कहाँ से हो रही है? पॉइंट ए से शुरू हो रही है। तो उससे छोटी वैल्यूज तो हमारे पास है ही नहीं, डोमेन में वैल्यूज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसकी लिमिट हम कैसे चेक करेंगे? सिर्फ लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक नहीं करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक होगी, और वो भी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस करके आएगी। तो ये जो वैल्यू होगी यही इसकी लिमिट कहलाएगी, और अगर ये एफ ऑफ ए के बराबर है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, ठीक है। बी जो है उसमें देखिए, बी लास्ट पॉइंट है इस इंटरवल का, तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट ही चेक होगी सिर्फ, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू बी नेगेटिव, और अगर ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और अगर ये वैल्यू एफ ऑफ बी के बराबर है तो ये भी लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन कंटिन्यूस होगा। यहाँ देखिए, हम बी पॉजिटिव के लिए चेक नहीं करेंगे क्योंकि बी जो पॉइंट है वो लास्ट है, उससे आगे की वैल्यूज़ हमारे डोमेन में नहीं है। तो जो वैल्यूज़ हमारे डोमेन में नहीं है, गिवन फंक्शन के डोमेन में नहीं है, उन पे हम कैसे चेक कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। सो फंक्शन को सिर्फ उस गिवन डोमेन में ही हमें चेक करना है कि हर पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, और अगर वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो फंक्शन पूरे डोमेन में कंटिन्यूस होगा और हम उसको कंटिन्यूस फंक्शन कह देंगे, नहीं तो डिसकंटिन्यूस होगा और उसके पॉइंट्स फाइंड आउट कर देंगे। सो क्लियर है बात? ओके। सो इस डेफिनेशन का एक कॉन्सिक्वेंस जो है, एक रिजल्ट जो है वो ये है कि एफ डिफाइंड है और वो एक ही पॉइंट पे डिफाइंड है, फंक्शन आपका एक ही पॉइंट पे डिफाइंड है, यानी उसके डोमेन में सिर्फ एक ही पॉइंट है, सिंगलटन सेट है उसका डोमेन, एक ही पॉइंट कंटेन करता है, तो जो फंक्शन है वो आपका उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। इस डेफिनेशन को चेक करते हैं हम एग्जाम्पल 10 पे। सो एग्जाम्पल 10 क्या है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, फंक्शन डिफाइंड है और एक पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास उसकी वैल्यूज दी हुई हैं, पॉइंट आपका 1। तो ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा चेक करते हैं। देखिए, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो फंक्शन जो है आपका एफ ऑफ एक्स वो आपको मिलेगा x प्लस 2, ठीक है। तो मैं c ले लेता हूँ, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट इसके डोमेन में,
और डोमेन जो है वो कौन सा हो गया, एक्स रियल नंबर की वो सारी वैल्यूज जो लेस देन वन है। सो सी भी आपका क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो लेस देन वन है, तो इस पे लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, सी कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है इस पूरे डोमेन में जब एक्स की वैल्यू लेस देन वन है। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स आपको क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जब x लेस देन वन है, वो है x प्लस टू, तो x प्लस टू मिल गया और x की जगह मैं c पुट करूँगा तो c प्लस टू मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी कि c कोई भी वैल्यू हो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट की वैल्यू ये होगी। और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो वो भी क्या होगी, एट x इक्वल टू c फंक्शन की वैल्यू f ऑफ c क्या होगी, वो भी c प्लस टू होगी। ठीक है, यानी कि लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी होगी। सो कंटिन्यूस होगा फंक्शन x इक्वल टू लेस देन वन के लिए, x लेस देन वन के लिए फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। ठीक है जी, x ग्रेटर देन वन जब है तो फंक्शन f ऑफ x आपका है कितना है भाई, x माइनस टू है, x माइनस टू है। ठीक है जी, वेरी गुड। सो कोई c वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, अर्बिट्रेरी वैल्यू मान लेता हूँ मैं, वेरिएबल है उस डोमेन में जब x की वैल्यूज आपकी ग्रेटर देन वन है। सो लिमिट फाइंड आउट करता हूँ x टेंड्स टू c f ऑफ x, और वो क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x क्या है, x माइनस टू, यानी कि c माइनस टू वैल्यूज मिल जाएंगी आपको। और जब x की वैल्यू c है तो f ऑफ c आपको क्या मिलेगा, वो भी c माइनस टू मिलेगा। ठीक है, क्योंकि x जो है वो आपका ग्रेटर देन वन है, तो c की वैल्यूज भी आपकी ग्रेटर देन वन है सारी। तो ये लिमिट एग्जिस्ट भी करती है और वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी है। सो यहाँ भी फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा। अब एक केस बच जाता है जब x आपका इक्वल टू वन है, और उस केस में f ऑफ x जो है वो आपका क्या है देख लेते हैं। जब x इक्वल टू वन है, x प्लस टू है, x प्लस टू यानी c प्लस टू। ठीक है, c प्लस टू नहीं भाई, ये x प्लस टू। ठीक है, अब देखिए फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है x लेस देन वन जब है, और वो कंटिन्यूस है x जब ग्रेटर देन वन है। तब पॉइंट बच गया वन, तो अब वन के आसपास हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब वन एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वन हम यहाँ चेक करेंगे। ये जो पहले हमने चेक किया है, ये डोमेन पे चेक किया है, एक गिवन सेट पे चेक किया है। गिवन तो नहीं था सेट, या हमने अज्यूम किया है। ठीक है, जो हमने अज्यूम भी नहीं किया, क्योंकि x की वैल्यूज लेस देन वन है, इसका मतलब सारी ही वैल्यूज रियल नंबर के सेट में से जो लेस देन वन है वो आ गई उसमें, और x जब ग्रेटर देन वन है तो सारी ही वो वैल्यूज आ गई। ठीक है, सो वन पे अब चेक करते हैं। सो वन पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ वन इक्वस टू वन प्लस टू इक्वस टू थ्री, थ्री आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू वन नेगेटिव। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स, और जब एक्स वन से छोटा है यानी एक्स इज लेस देन वन, तो कंडीशन देखिए क्या होगी। फंक्शन देखते हैं, वन एक्स इज लेस देन वन, एक्स प्लस टू मिलेगा आपको। ठीक है, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन नेगेटिव, तो एक्स प्लस टू और वन प्लस टू आपको मिल जाएगी, थ्री, वेल एंड गुड। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स, और जब वो एक्स जो है वो वन से बड़ा है उस वक्त फंक्शन की वैल्यू हो जाती है एक्स माइनस टू। तो इस केस में लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस एक्स माइनस टू आपके पास वैल्यू आएगी, यानी कि वन माइनस टू माइनस। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, फंक्शन भी आपका कंटिन्यूस नहीं होगा। सो वन जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं होगा।
यानी कि पूरे रियल नंबर के सेट में वन जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है फॉर दिस गिवन फंक्शन, बाकी हर जगह फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूस है। गॉट इट? ओके, तो ऐसे चेक करना है। अब इसमें देखो डेफिनेशन वन और डेफिनेशन टू दोनों यूज हो गई। जब मैं x इक्वल्स x लेस देन वन के लिए चेक कर रहा हूं तो मैं उन सभी वैल्यूज के लिए चेक कर रहा हूं जो लेस देन वन है, और जब x ग्रेटर देन वन है तो जब मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं तो वो c मैंने एक वेरिएबल इसीलिए लिया है कि वो सभी वैल्यूज आ गई इसमें जो ग्रेटर देन वन है, तो उन सब के लिए मैंने चेक कर लिया। और एक ये डेफिनेशन टू के अकॉर्डिंग किया मैंने। अब जब पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल्स टू वन पे हम चेक कर रहे हैं तो डेफिनेशन वन के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों शो करेंगे, दिखाएंगे कैलकुलेट करके, ठीक है। और अगर वो इक्वल आ जाती हैं और फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पे इक्वल आ जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूस है, नहीं तो नहीं है। थ्योरम वन देखिए, ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है कि सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूस एट ए रियल नंबर सी। दो कंटिन्यूस फंक्शन है और वो एट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट सी पे कंटिन्यूस हैं, तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ इंटू जी भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा और एफ बाई जी भी कंटिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड जी ऑफ सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये सिंपल सा अलजेब्रा है कि अगर दो फंक्शंस आपके कंटिन्यूस हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो उन सबका, उन दोनों फंक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिविजन भी कंटिन्यूस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। दो रिमार्क्स भी गिवन है और वो स्पेशल केस हैं। स्पेशल केस किसके हैं? थर्ड के, थर्ड पॉइंट जो है कि f इंटू g इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू c। सो इफ f इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, fx जो है, f जो है वो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, अपन कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, यानी f ऑफ x इक्वल्स टू मान लीजिए 3 है। सो f ऑफ x इंटू g ऑफ x वो भी एक कॉन्स्टेंट फंक्शन, मतलब कंटिन्यूस फंक्शन होगा, यानी 3 इंटू जी एक्स, यानी किसी फंक्शन को, कंटिन्यूस फंक्शन को आप किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपके पास एक कंटिन्यूस फंक्शन ही आएगा। और इसी तरीके से अगर डिवाइड करते हैं, फोर्थ पॉइंट जो है उसके लिए भी है ये रिमार्क। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि किसी को डिवाइड करते हैं तो भी क्या होगा, आपके पास एक कंटिन्यूस फंक्शन ही आएगा। यानी कोई कांस्टेंट को आप किसी कंटिन्यूस फंक्शन से डिवाइड करते हैं या कंटिन्यूस फंक्शन को आप किसी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो भी आपके पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन ही आएगा।